अरे मैंने शहजादियों की तरह रखा था इसका। अरे तू तो आती थी ना, तूने तो देखा था ना अपनी आंखों से। अरे मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे वो बेचारा तो इससे बहुत मोहब्बत करता था। अरे सब्र करें, हिम्मत से काम लें जरा। ये बताएं कि इस घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू थी। अच्छा ये बताएं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त और कौन कौन घर में था? मैं थी नसीबोजली, मेरी एक ही बहू है, मैंने उसको फूलों की तरह रखा है। न जाने ऐसा क्या हुआ जो उसने इतना बड़ा काम किया है। आप हैं इनके शौहर? जी मैं शौहर हूँ उसका। जिस वक्त ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? अरे मेरा बेटा तो काम पे गया हुआ था, महल वालों ने फोन करके बुलाया उसको तो। अरे मेरी बेटी शबाना, अरे तूने क्या किया, तूने ये भी नहीं सोचा उस बूढ़ी का क्या होगा। माँ जी आप हौसला रखें। ये बताएं कि आपको कब पता चला कि इसने खुदकशी कर ली? मेरी तो ये इकलौती बहू थी, मैंने तो कभी इसको सुबह भी नहीं उठाया, लेकिन जब ये 12 बजे तक नहीं आई तो मैंने सोचा मैं जाके तो देखूं कि क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं कमरे में आई तो मैंने देखा ये रस्सी से लटकी हुई है। मैंने जल्दी से कई चूहे लेकर आई और मैंने जल्दी से काटा और मैं भी इसके साथ गिर गई। मैं तो मरी जाऊं, मेरे चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। क्या हुआ मेरी बहन को? क्या हुआ मेरी बहन को? शकीला खाना मेरी बहन को क्या हुआ? बस बेटा जवाना हमें छोड़ के चली गई। आप लोग जरा साइड में हो जाएं, हमें जरा अभी लाश को चेक करने दें। ऐसा करो एम्बुलेंस मंगाओ और लाश को हॉस्पिटल शिफ्ट करो पोस्टमार्टम। चलो हरी अब। आप लाश को हॉस्पिटल भिजवाएं, आप लोग मेरे साथ। मुकामी थाने को इत्तला मौसूल हुई कि किसी नौजवान शादीशुदा लड़की ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर लाश का मुआयना करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करके रस्सी को अपनी तहवील में ले लिया था। इब्तदाई बयान में मकतूला की सास शकीला बेगम ने बताया कि जब मकतूला 12 बजे तक सुबह ना उठी थी तो उसने जाकर कमरे में देखा तो मकतूला की लाश पंखे से लटकी हुई थी, जबकि मकतूला का शौहर घर पर नहीं था। पुलिस ने इब्तदाई बयान कलमबंद किया। घर वालों का कहना था कि मकतूला ने खुदकुशी की है। पुलिस ने लाश अस्पताल रवाना करके तफ्तीश का आगाज शबाना के शौहर हबीब से किया। वो कितना अरसा हुआ है तेरी शादी को? सर 1.5 साल हुआ है मेरी शादी को। तेरी बीवी का तेरी माँ से कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? नहीं सर, मेरी माँ तो उसको बेटियों की तरह चाहती थी। तेरी माँ उसे बेटियों की तरह चाहती थी? हो सकता है तेरी बीवी उसे माँ ना समझती हो। नहीं सर, छोटी मोटी बातें तो हर घर में हो जाती हैं। वो तेरे कैसे ताल्लुकात थे बीवी के साथ? मेरे ताल्लुकात अच्छे थे शबाना के साथ, वो बहुत अच्छी बीवी थी मेरी सर। हाँ ताल्लुकात भी अच्छे थे, बीवी भी अच्छी थी, और दिमाग खराब था तेरी बीवी का जो उसने खुदकशी कर ली। कहाँ था उस वक्त तू? सर मैंने बताया ना, मैं उस वक्त काम पे था सर। वो सुबह से ठीक थी? जी सर,
बिल्कुल ठीक थी सर, मैं तो उसको नाश्ते तक के लिए नहीं उठाता था। मुझे तो नाश्ता भी मेरी माँ ही देती थी। और तेरी बीवी की सबसे खराब आदत क्या थी? सर मेरी बीवी की सबसे बुरी आदत थी वो सर जुबान की बहुत तेज थी सर। और तेरी माँ की सबसे बुरी आदत क्या थी? सर एक बेटे से आप उसकी माँ की बुराई पूछ रहे हैं। सर मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो उसको बेटियों की तरह चाहती थी। बस सिर्फ सिर्फ सर गुस्से की थोड़ी सी तेज है मेरी माँ, वो भी गलत बात अगर हो तो। सर गलत बात पे तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है सर। और रात को किसी बात पे कोई झगड़ा हुआ था? रात को सर वो तो एक मामूली सी बात थी। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। हबीब मैं कल अपने भाई के घर जा रही हूँ। क्यों, अम्मा से फिर कोई बात हुई है क्या? कौन सी नई बात है, वो तो रोज ही होती है। यार शबाना, अम्मा दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा गुस्से की ही तो तेज हैं, बर्दाश्त कर लिया कर। हाँ मालूम है मुझे, मैं ही बुरी हूँ। और अगर एक दिन मैं सुकून से अपने भाई के घर रहकर आ जाऊंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? यार अम्मा की तबीयत खराब रहती है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। एक दिन में उन्हें कुछ नहीं होने वाला, हमें हो जाएगा लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। यार तू बातें किस तरह से कर रही है, जाना है तो अम्मी से पूछ कर जाना बस। शादी मैंने तुमसे की थी, तुम्हारी माँ से नहीं। मेरी माँ ही तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, मैं नहीं लेकर आया था, समझी तुम? और वैसे भी तुमको अभी 10 दिन ही तो हुए हैं आए हुए, तुम्हें अभी जरूरत क्या जाने की? हाँ तुम्हें जरूरत नहीं होगी, मुझे है, मेरे माँ बाप भी नहीं है। अब भाई बहन के घर जाने पर भी तुम पाबंदी लगा दो। ठीक है तुम जा रही हो ना तो वापस आने की जरूरत नहीं है तुमको, समझी तुम? शबाना, शबाना उठ जा यार, मुझे नाश्ता दे दे, देर हो रही है। तुम्हारी अम्मा है ना किचन में, उनको जाकर बोलो, पहले भी उन्हीं के हाथ का खाते थे ना। तुम खुद भी तो नाश्ता करोगी ना, अभी बना दोगी तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे क्या? जाओ मेरा दिमाग नहीं खराब करो, नहीं बनाऊंगी मैं। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है और मुझे लग रहा है उसको मुझे बहुत जल्द ठीक करना पड़ेगा। जी सर, उसके बाद मैं घर से बाहर चला गया था। और तेरे जाने के बाद उसने खुदकशी कर ली हा? सर हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मामूली सी बात थी। वो लटक गई पंखे से या तू खुद उसे लटका के चला गया? नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं उससे बहुत प्यार करता था सर, मुझे तो खुद फोन पर इतला मिली है, मैं तो काम पे था सर। ऐसे ही पूछ रहा था, और तू ये बता तू करता क्या है? सर मैंने बताया था ना। पुलिस अभी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी कि इस दौरान मक्तूला शबाना की बहन पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वो मेरी छोटी बहन थी, मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती। तेरे ऊपर से अभी तक दुल्हनों वाला खुमार नहीं उतरा, जरा जरा सी बात पे भड़क उठती है। हबीब तो तेरे साथ ठीक है ना? किस पर शक है आप लोगों को, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं? सर हमें उसकी सास और उसके शौहर पे शक है और हम उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सर उसकी सास और उसके शौहर
आए दिन उस पर तशद्दुद किया करते थे। कोई तो वजह होगी, आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते थे? तो इसका मतलब यह हुआ कि शबाना के औलाद ना होना भी झगड़ों की एक वजह थी। जी सर, वो मेरी छोटी बहन थी, मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो मुझे हर बात शेयर किया करती थी। मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती। शादी के कितने अरसे बाद शिकायत शुरू हो गई थी? सर, उस बेचारी को तो एक महीना भी ससुराल में सुकून नहीं मिला। अभी तो 7 बजे अम्मी। अरे तो क्या सूरज सर पे चढ़ जाएगा जब आओगी? यार जवाब दे दो उनको, नहीं तो मुझे भी नहीं सोने देंगी। अच्छा आ रही हूँ। अरे जल्दी आ जाओ, मुझे दोबारा ना आना पड़े। शबाना पर्दा डाल देना, धूप आ रही है यार। क्या बात है, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? जी नहीं कह सकती है, उल्टा पूछ रही है कि क्या बात है। और ये तेरे ऊपर से अभी तक दुल्हनों वाला खुमार नहीं उतरा, घर कौन समेटेगा? पड़ी सोती रहती है। अम्मी हबीब को आज देर से जाना था, इसलिए मैं भी लेटी हुई थी। अगर हबीब देर से जाएगा तो तू नेस्ती पलाती रहेगी, और मैं जो सुबह की उठी हूँ उसका कोई एहसास नहीं। अरे वो तो मर्द है, जब दिल चाहे उठेगा, पर तू तो कमरे से बाहर आ जाया कर। अच्छा अब आ तो गई हूँ, अब भी अम्मी सुबह सुबह ख्वाम खा। हाँ कह दे, सुबह सुबह मैंने तेरा दिमाग खराब कर दिया, ज्यादा मुझसे जबान नहीं चलाया कर, सुधार दूंगी तुझे। ये तुझे हबीब ने चढ़ाया हुआ है, तू जानती है ना मेरा नाम शकीला है, शकीला। और बात सुन, ये कपड़े पड़े ये जाके धो, और अपना और हबीब का नाश्ता बना ले, मैं बना लूंगी अपना खुद ही। जिंदगी अजीरन कर रखी है। शबाना, शबाना जल्दी से नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है। इतनी तमीज तो है नहीं कि सब काम छोड़ के पहले मियाँ को नाश्ता दे के फारिग हो जाएं। अम्मी आपने ही तो कहा था कि पहले कपड़े धो लो। हाँ मेरा तो बड़ा कहना मानती हो तुम। अच्छा आप रुके, मैं नाश्ता लाती हूँ। देख हबीब, तू अपनी बीवी की जबान को लगाम दे दे, वरना तू जानता है कि मेरा नाम शकीला है, शकीला। क्या हुआ अम्मा? अरे आज सुबह क्या उठ गई है, जब से तवे पे बैठी। अभी पूछ लेता हूँ उससे मैं। अरे नाना सुबह सुबह मूड खराब नहीं कर, तू काम पे जा। और देख मैं तुझे ये बताए दे रही हूँ कि इसे तगड़ी खुराक की जरूरत है। और देख बेटा, घोड़े पे सवारी का शौक हो ना तो चाबुक भी पास रखते। कुछ कहा इसने तुम्हें? देख बेटा तू तो जानता है मैंने तुझे कैसे पाला, तू मेरी कितनी बात मानता है, और एक ये कमबख्त अल्लाह की पना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? एक बात है शकीला, बेटा हो तो हबीब जैसा फरमा बरदार, हर वक्त तेरी बात मानकर घुटने से लगा रहता है। अच्छा छोड़, ये बता काकी तैयारी है? अरे जाना कहाँ है, बाजार जा रही थी दाल सब्जी लेने, सोचा तुम्हें भी साथ लेती चलूँ। हाँ सौदा तो मुझे भी लाना है। हाँ तो फिर चलो। ला बेटा सौदे के पैसे तो दे। और देख बेटा
तू अभी उससे कुछ मत कहना, लेकिन बाद में तू उसको बता देना कि मेरा नाम शकीला है, शकीला। बहू ये चावल चढ़ा देना। अरे चलना जल्दी। जहाँ पर ये बात आ जाती है कि वालदैन सबसे पहले, वहाँ पे हर चीज़ पीछे रह जाती है। अब वो वालदैन उसके माइंड में सही बात डाल रहे हैं या गलत बात डाल रहे हैं, ये फैसला वालदैन करते हैं। अगर मदर की पर्सनालिटी वीक है, जिस तरीके से मदर जो हैं, शकीला जो हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें उनके माइंड में डाल रही हैं, उनके अंदर जलन और हसद बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उनकी पर्सनालिटी वीक है, इसी तरीके से उनके बेटे की भी पर्सनालिटी वीक है। जेनेटिकली ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। हेलो। सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शबाना? कुछ नहीं बाजी, बस वो हबीब की अम्मी जरा जरा सी बात पे भड़क उठती हैं। हबीब तो तेरे साथ ठीक है ना? उन्होंने क्या ठीक होना है, वो भी अम्मी की ही साइड लेते हैं, हर वक्त मुझे ही कहते रहते हैं। तू अपनी सास को समझा, वो बड़ी है, समझ जाएगी। वो आराम से समझने वाली नहीं है बाजी, बड़ा कड़के कहती हैं। मेरा नाम शकीला है, शकीला। दो मिनट में कर दूंगी टीला टीला। समझ नहीं आता मेरे के क्या करूं। तू परेशान मत हो, दो चार दिन के लिए मेरे पास आ जा, ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहाँ है अभी? खाला शकुरन के साथ बाहर गई हुई हैं। बस मैंने भी सोच लिया, आज हबीब से साफ साफ बात करूँगी कि अपनी अम्मी को समझा लें, वरना फिर मैं भी खामोश नहीं रहूँगी, हद होती है। बीवी है तो तुझे 10 मिल जाएगी, पर तुझे माँ नहीं मिलेगी। मेरी माँ के बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ शबाना, तू रो क्यों रही है? बाजी अब ये लोग मुझे मारने भी लगे। देख बेटा, बीवी है तो तुझे 10 मिल जाएगी, पर तुझे माँ नहीं मिलेगी। अम्मा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। वो बातों से समझने वाली नहीं है। अरे मैं कितनी हसरतों से उसको ब्याह कर लाई थी, सिर्फ तेरी वजह से मैं चुप रहती हूँ, वरना सारा जमाना जानता है कि मेरा नाम शकीला है, शकीला। अच्छा माँ, अच्छा तू रो मत, मैंने कहा ना मैं उसे बिल्कुल सीधा कर दूंगा। अरे कम्बल रत्न, इतने अरसे में कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। अरे मुझे तो लगता है मैं पोता पोतियों को खिलाने की हसरत में दुनिया से चली जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तेरी गोद में पोते भी खेलेंगे और पोतियाँ भी। मैं तो कहती हूँ अगर ये बाज ना आए ना तो मैं तेरी दूसरी शादी करा देती हूँ, और देख वो आएगी ना तो कम से कम मेरे हालात तो सही होंगे, मुझसे प्यार से बात तो करेगी। और एक ये कमबख्त है, अरे इसने तो मुझसे कभी प्यार से बात ही नहीं करी, हर वक्त चिक 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 चिक। सब सुनेगी, एक एक कहना सुनेगी, और अगर उसने कहना नहीं सुना तेरा तो उसका जो मैं हाल करूँगा वो तू भी देखना और ज़माना भी देखेगा। ये लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे यहाँ, जो कि बहुत कॉमन है। एजुकेशन ना होने की वजह से ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, आए दिन ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और इसी चक्कर में बहुओं को मारा जाता है, घर से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि औलाद नहीं है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। पहले काम छोड़ो और गौर से मेरी बात सुनो। मैं कानों से काम नहीं कर रहा हूं। बोलो क्या बोलना चाहती हो। देखो तुम अपनी माँ को समझा लो, छोटी छोटी सी बातों पर मुझसे ऐसे लड़ती हैं जैसे अपनी कोई पुरानी हसरतें निकाल रही हो। तू जितनी सीधी है ना, मुझे सब पता है, और तू जितनी बदतमीज है, ऐसी बहू को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। बदतमीजी मैं करती हूँ या तुम्हारी माँ, जो हर वक्त शकीला हूँ शकीला के भरम मारती रहती है? मेरी माँ के बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा ना
तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मेरी माँ ने मुझे किस तरह से पाला है? तो अपनी माँ की गोद में ही सर रख कर लेटे रहते ना, मुझसे शादी क्यों की? और शादी करने से क्या फायदा हुआ? एक औलाद तक तो तू दे नहीं सकी मुझको। अच्छा याद नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा था? कि अपने शौहर को लेकर आओ। और जब मैंने तुमसे चलने के लिए कहा तो तुम नहीं गए। औलाद मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं होती। बकवास करती है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं भी। बकवास मैं नहीं करती, बकवास तुम्हारी माँ करती है जो हर वक्त तुम्हारे कान भरती रहती है। और अगर मुझसे इतने ही तंग आ गए हो तो चली जाऊंगी कल मैं अपनी बहन के घर, फिर रह लेना अपनी माँ के साथ अकेले। तुम क्या जाओगी, कल मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। एहसान होगा तुम्हारा मेरी जात पे। बैठ चल। जिंदगी अजाब हो गई है। ये तुम दोनों कहाँ चले? वो अम्मा उसको उसकी बहन के घर पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ताकि ये भी सुकून से रह ले और हम लोग भी सुख का सांस ले सकें। अरे इसकी सुकून को क्या हुआ? सुकून तो इसने हमारा गारत किया हुआ है। देखिए अम्मा, मैं इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ। तुम बोलोगी भी क्या? रात को अपने मियाँ को सब कुछ बोल चुकी होगी और तू इसके कहने पे चल पड़ा इसकी बहन के घर छोड़ने। अरे इसका भेनोई मुझे एक आंख नहीं भाता। मैं जाऊंगी, दम घुटता है मेरा यहाँ। अरे घुट जाए तो अच्छा है। हमारी माँ ने ये नहीं बताया कि ससुराल से लड़की के जनाजे ही जाते हैं और तू चल पड़ा इसको जिंदा को लेके। चलो घर में जाके बैठो। अरे सारा जमाना जानता है मेरा नाम शकीला है, शकीला कर दूंगी तीला तीला, और तू चल पड़ा इसको लेके। चल इसको अंदर लेके, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आया बड़ा हबीब, मैं जाऊंगी। देखो माँ बोल गई ना, चलो। मैंने कहा ना मुझे आज ही जाना है। देखो मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। मैं जाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा? चलो। छोड़ो मुझे। चलो। चलो। हेलो। हेलो बाजी। क्या हुआ शबाना, तो रो क्यों रही है? माजी, माजी ये लोग मुझे मारने भी लगे। क्या? कौन? तेरी सास या हबीब? हबीब, आज उसने मुझे बहुत मारा अपनी अम्मी के कहने पर। देख बेटा तो हिम्मत कर, घबरा नहीं, मैं भाई से बात करती हूँ अभी। हाँ मैं करती हूँ बात, मैं तुझे फिर फोन करती हूँ। भाई वो शबाना को उसके ससुराल वालों ने बहुत मारा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। पता नहीं वो बहुत रो रही थी फोन पे और कह रही थी उसको बहुत मारा उसकी सास ने और शौहर ने, तुम जल्दी आ जाओ, वो बहुत परेशानी में। मकतूला शबाना की बहन रानी ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ शबाना की सास शकीला और शौहर हबीब के मजालिम भी बढ़ते गए। शबाना को औलाद ना होने के ताने भी मुसलसल मिलते रहते थे, मुसलसल मजालिम सह सह कर शबाना की जबान भी चलने लगी थी। उठ गई मलका आलिया, दिन पूरी हो गई, न शौहर का होश न सास की खबर। मुझे क्या जरूरत है खबरें रखने के लिए, तुम जो हो सारा दिन की खबरें सुनाने के लिए। जबान तो अल्लाह ने गज भर की दी है, काट भी दो तो अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी। कभी अपनी जबान आईने में देखिए, अगर नापने के लिए खड़ी हो गई ना तो एक गज से कुछ ज्यादा ही लंबी होगी। सुन रहा है तू, तेरे सामने कैसी जबान चल रही है इसकी।
शबाना तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरी माँ से जिद बहस मत किया कर। क्या कर लोगे तुम? रोजाना मारते हो ना, आज भी मार लो, इसके अलावा और तुम्हें आता क्या है? एक औलाद तक तो दूध दे ना सकी, चिक 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 टेंशन दे रखी है मुझे। औलाद मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं होती। बकवास करती है मुझे। करूंगी। चल। चलो मुझे। चल। अब चलाइए मेरी माँ से जुबान। हाँ? चलाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? कहाँ जा कर लूँगा मैं? ये ले, ये ले, ये ले। चलो मुझे। इस जबान चलती है, अच्छा है कुटे। जानती नहीं है, सारा जमाना जानता है मुझे। मेरा नाम शकीला है, शकीला। 2 मिनट में कर दूंगी तीला तीला। एक इंसान को अगर आप एक दफा थप्पड़ मारें, 2 दफा मारें, 3री दफा मारें, 4थी दफा वो हाथ जरूर पकड़ लेता है। इसी तरह शबाना जो हैं, वो शुरू से बर्दाश्त करती आई हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी बर्दाश्त खत्म हुई वहीं पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और वो बोलना ही उनके लिए एक अजाब बन गया। अरे ये क्या किया तूने? अरे एक एक करके सारे बर्तन तोड़ दिए। एक कप टूटने पे इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? आपको दिख नहीं रहा मुझे कितनी जोर से चोट लगी है। अरे तू जाए भाड़ में। अरे एक एक करके मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए, ये एक बचा था ये भी तोड़ दिया। इतना शोर क्यों मचा रही है? टूटने की चीज से टूट गई। अरे अपने बर्तन क्या सेकने के लिए लाई है? जब घर में बर्तन है तो नए बर्तन क्यों निकालूं? देख इसने एक एक करके सारे बर्तन तोड़ दिए। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, अंधी हो क्या? एक कप टूटने पे इतना लिचड़ बना करने की क्या जरूरत है? तुम अपने कप क्यों नहीं निकालती हो? जो अपनी बहन के घर से भर के लेकर आई हो उनको अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है क्या? जब घर में संभाल के बर्तन भरे पड़े हैं तो दूसरे बर्तन क्यों निकालूं? घर में बर्तन हैं, नए बर्तन हैं ना, अब नहीं रहेगा कोई बर्तन। ले और अब चाट ले इन बर्तनों को। तेल छिड़कने के लिए शबाना कभी अपनी माँ को भी कुछ समझा लिया करो। जुबान चलाती है। अच्छा ये बता, खुश है ना? खैरियत तो है? अरे खैरियत है, तू आ जाती है ना तो चेहरे पर रौनक आ जाती है, वरना उस कमबख्त की शक्ल देख देख के तो मेरी अपनी शक्ल बिगड़ गई है। मेरा तो शीशे में शक्ल देखने का भी दिल नहीं करता। आज है कहाँ, नजर नहीं आ रही। अरे मरी पड़ी होगी, कहीं सो रही होगी। कुछ सुधरी या नहीं? अरे कुत्ते की दुम है, कहाँ सुधरेगी। लेकिन मेरा नाम भी शकीला है, उसको सुधार के दम लूंगी। हाँ भाई तू शकीला है, शकीला तू तो कर देगी उसे तीला तीला। तूने तो हबीब के अब्बा को नहीं छोड़ा, उसे भी सुधार के दम लिया ना। अरे काबू नहीं करती ना तो मेरी सास मुझे खा जाती। हाँ भाई वही तजर्बा तो तेरे काम आ रहा है। अच्छा ये बता, इसके कुछ हुआ या नहीं? अरे कुछ भी बच्चा ना हुआ, अगर हो जाता ना तो कमबख्त ठीक हो जाती। बांझ है बांझ। अच्छा मैं बांझू? तुमने तो जैसे पूरा पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, एक ही अंडा वो भी गंदा। अरे लड़की तौबा है तौबा, सास के सामने तेरी जबान कैसे चलती है, वो भी कैंची की तरह। शुक्र अदा करो मेरी तो सिर्फ जबान चलती है, वरना ये दोनों माँ बेटा तो एक की जबान चलती है दूसरे के हाथ चलते हैं, बाकी सब बेकार है। अरे बेटा बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। तुम तो चुप ही बैठो खाला, तुम भी कुछ खास कम नहीं हो। और एक बात बताओ, ये तुम क्या रोजाना सुबह सुबह चली आती हो तेल छिड़कने के लिए? खुद से ना जबान खींच लूंगी।
तू जानती नहीं है मुझे, सारा जमाना जानता है, मेरा नाम है शकीला, तुझे कर दूंगी 2 मिनट में तीला तीला। अच्छा, मेरा नाम भी शबाना है शबाना, मुझे ना डराना, मुन्ना देखेगा सारा जमाना। ना बाबा, मैं तुम दोनों सास बहू के दरमियान नहीं आती, मैं तो चलती हूँ। तुम कहाँ चली, तुम भी तो कुछ लेती जाओ ना। तोबा है तोबा, मैं तो चलती हूँ, खुदा की पनाह इस लड़की से। आइंदा अगर नजर आई ना इस घर में तो बताऊंगी मजा फिर। ए, तूने तो हमारा जीना हराम कर दिया, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता है, मेरे घर का सारा निजाम खराब कर दिया, मेरे बेटे को अपना बना लिया। पुलिस जराये के मुताबिक अहले इलाका से तफ्तीश और मकतूला की बहन रानी के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई तो उसमें खुदकुशी को रद्द करके कत्ल की निशानदेही कर दी गई थी। लिहाजा पुलिस ने माँ बेटे को हिरासत में लेकर जब अपने मखसूस अंदाज में पूछगछ की तो दोनों ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि शबाना बहुत ज़िद्दी और खुदसर थी, उनका मारने का प्रोग्राम नहीं था लेकिन अचानक इश्तियाल में आकर कत्ल कर बैठे। मुलजिमा शकीला ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि 9 सितंबर 2013 की सुबह शबाना उठ जा यार, मुझे नाश्ता दे दे, देर हो रही है। तुम्हारी अम्मा है ना किचन में, उनको जाकर बोलो, पहले भी उन्हीं के हाथ का खाते थे ना। तुम खुद भी तो नाश्ता करोगी ना, अभी बना दोगी तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे क्या? जाओ मेरा दिमाग नहीं खराब करो, नहीं बनाऊंगी मैं। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है और मुझे लग रहा है उसको मुझे बहुत जल्द ठीक करना पड़ेगा। अम्मा अम्मा नाश्ता तो दे दो। अरे वो बेगम साहब उठी नहीं क्या? अरे छोड़ो उसको, मुझे नाश्ता दे दो जल्दी से आगे। अरे वो तो मैं बना ही दूंगी, उसको काय के लिए ब्याह कर लाई हूँ? उसका तो मुंह ही सूझा रहता है हर वक्त, मैं क्या करूँ? अब क्या हुआ? होना क्या है, भाई के घर जाना है उसको। अरे भाई के घर जाके क्या करेगी, जब देखो भाई के घर जाना है भाई के घर जाना है। मुझे तो लगता है। क्या लगता है माँ? बस अब क्या मुंह खोलूं, उनकी भावच के भाई आते जाते रहते हैं, हंसी मजाक होता रहता है। अरे तूने तो जाने के लिए नहीं कह दिया। नहीं नहीं मैं क्यों वहां कर दूंगा, मैंने तो कह दिया है अम्मी से पूछ कर ही जाना, नहीं तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तेरा भला करे, एक तू है जो मेरा ख्याल करता है, एक वो नाहन जा रहे जो मुझे लटका देती। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, 85 लड़कियां थी तेरे लिए, एक को भी कहती ना तो ना नहीं करती। अरे माँ तुम्हारी जो मर्जी में आए वो काम करो, मैंने उसको बोल दिया है तुमसे पूछे बगैर जाने की उसको कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम उसको भेजो या ना भेजो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने बस। अरे ऐसे कैसे हर वक्त मुंह उठा के जाने तू, कभी भाई के जाना है कभी बहन के जाना है, यही लगाए रखा है। अच्छा तू रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आ रही हूँ। क्यों जरूरत नहीं है जाने की, मैं तो जरूर जाऊंगी। तू जाके तो देख, हर वक्त भाई के जाने की आग लगी रहती है तुझे। आग मुझे लगी होती है या आग तुम्हें लग जाती है जब भी मैं वहाँ जाने का कहती हूँ तो? ये देख कैसी गंदी जबान लेकर आई है अपने माँ बाप के घर से। तुम्हारे मुँह से तो फूल झड़ रहे ना जैसे। तू उसको लगाम नहीं दे सकता ना तो मुझे एडी सेंटर छोड़िया, ये सब तेरी ढील है। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारी सही जगह भी वही है। शबाना अगर तूने अपनी जुबान नहीं बन की तो उसको काट कर तेरे भाई के घर भिजवा दूंगा मैं, समझी? कभी अपनी माँ को भी कुछ समझा लिया करो, बल्कि तुम क्या समझाओगे, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही एक से हैं। देखा कैसी जुबान चल रही है, कल मुझे मारेगी और तू इसी तरह खड़ा देखता रहना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको अभी सबक सिखा कर आता हूँ। शबाना क्या बोला तूने मेरी माँ को, हाँ क्या बोला है? कि उसको एडी सेंटर में दाखिल करवा दो। इसे लाइक है। उससे पहले मैं तुझे कब्र में पहुंचा दूंगा। अब अपनी माँ के घर जाने का नाम लिया ना, उसको यही जिंदा दफन कर दूंगा, समझे? जाओगी जाओगी जाओगी, क्या कर लोगे तुम? अपने बाप के घर जाने का ज्यादा शौक है, काम छोड़, जुबान दराज, जुबान चला दिए, जुबान चला दिए। बंद कर दे की ज़बान। मैं भी तेरी दूसरी शादी ना करा दूँ ना तो मेरा नाम शकीला नहीं। हाँ, जाएगी, जाएगी, जाएगी। एक मैं तेरी दूसरी।
ये तो मर गई ये तो। अरे ये तूने क्या कर दिया, मैंने ये थोड़ी कहा था तू उसको मार दे। अरे तुम्हारे ही किलकिल की वजह से तो मरी है ये, अब क्या करूं बोलो। ठहर मुझे सोचने दे। बात सुन, हम कहेंगे इसने खुदकुशी कर ली। तू 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 एक काम कर, तू 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 रुक, मैं आ रही हूँ, रुक मैं आ रही हूँ। हबीब की पर्सनालिटी में एक्टिव अग्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर उनको गुस्सा आता है तो वो उस पर काबू नहीं कर सकते, और जो इंसान अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रख सकता वो गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकता है। उस वक्त उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक अनहेल्दी इमोशन है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, उसका खुद का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बीवी को मार दिया, वहाँ पर उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि मैंने अपनी मदर की बात माननी है। अब तू एक काम कर, तू तू जा, तू काम पे जा, तुझे कुछ नहीं पता, तू काम पे जा, तू तू जा, तू जा, तू काम पे जा, मैं कह रही हूँ ना, तू जा काम पे जा। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शकीला और हबीब दोनों के बयानात में तजाद है, लेकिन दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये सास और बहू में इख्तदार की जंग थी जो सदियों से इन रिश्तों के दरमियान चली आ रही है, जिसमें शबाना अपनी ज़िंदगी हार बैठी और शकीला और हबीब अपनी ज़िंदगी के दिन जेल की सलाखों के पीछे बसर करेंगे। पुलिस ने शकीला और हबीब के खिलाफ दफ़ा 302 के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश कर दिया है, जहाँ दोनों माँ बेटे का अंजाम उनका मुंतजर है। यकीन दुरुस्त नहीं या गुमा दुरुस्त नहीं, मुझे बताओ मैं आखिर कहाँ दुरुस्त नहीं। कभी कभी तो ये लगता है सिर्फ मैं हूँ गलत, कभी ये लगता है सारा जहाँ दुरुस्त है।